मैं सरोज पहाड़न। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। तो करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों जो करण सिंह सिमली से लापता हुए हैं, आज पूरे 8 दिन हो गए हैं, अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो एक बार से आज पूरी महिला, सारे जनप्रतिनिधि लोग, सारे लोग रामला फील्ड में एकत्रित हो रहे हैं और वहाँ पे यहाँ के एसओ और जांच अधिकारी भी पहुँच रहे हैं और क्या वो लोग बताते हैं, तो आप इसी प्रकार मेरे वीडियो में बने रहें और देखिए ये लोग क्या कुछ बताते हैं करण सिंह के बारे में। चल रही है उसके संबंध में कुछ विद्वानों से अवगत कराता हूँ कि हमने अब तक क्या किया और क्या कर रहे हैं। इसी बीच हमारे अभी जो जांच अधिकारी वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं, उनको भी अभी बुलाया जाएगा, तो विस्तृत बातचीत तो भी आपको बता देंगे। अभी इस संबंध में हमारी पुलिस की 5 टीमें लगी है। एक टीम गैरसैंण थाने से ही लगी है, एक कर्णप्रयाग थाने से एक टीम लगी है, एक सरविलास शाखा SOG की टीम लगी है, दूसरी हमारी SDRF की टीम लगी है जैसा कि आपको पता ही होगा। और इसके अतिरिक्त हमने अभी तक डॉग स्क्वाड जो कि सूंघने की क्षमता रखता है उनको बुलाया गया, उनके द्वारा भी कार्रवाई की गई है, ये भी आप लोगों को शायद पता ही होगा। इसके अतिरिक्त जो हमारा वन विभाग है उनको भी इस संबंध में फोटो दे के और फॉरेस्ट एरिया में सभी जगह उनको भी तलाश करने के लिए बता दिया गया है। और इसके अतिरिक्त जो आसपास के हमारे जो ग्राम रक्षक होते हैं सभी कर्णप्रयाग क्षेत्र के, थराली क्षेत्र के, पूरे जनपद क्षेत्र के, वहाँ भी सबको फोटोग्राफ पहुँचा दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो भी STF से जो भी मदद ली जा रही है सर्विलांस शाखा के माध्यम से वो भी इसमें किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अभी मेरे को तो 2 ही दिन हुए हैं, तो हम आप लोगों से चाहते हैं कि आप लोगों का भी सबका इसमें ढूंढ खोज में सहयोग रहे और हमें ढूंढ खोज करने के लिए जो भी आवश्यक पूछताछ है लोगों से की जा रही है, जिन जिन के मोबाइल सर्विलांस के जरिए नाम सामने आ रहे हैं, मोबाइल नंबर सामने आ रहे हैं, उनसे सभी से बातचीत की जा रही है। ये इस संबंध में आप लोगों को जानकारी होगी कि कम से कम नहीं तो यहाँ से लेके कर्णप्रयाग तक जितने भी CCTV कैमरे लगे हैं सबके कैमरे भी हमने सर्च कर लिए हैं, सबकी जिसमें जो भी हमें कोई गाड़ी दिख रही है उसके आगे पीछे उनसे पूछताछ भी चल रही है। इस संबंध में जो 2-3 ऐसे नाम आए जो मोबाइल नंबर से ज़्यादा संपर्क में थे उनको पुलिस ने डिटेन भी किया, पूछताछ चल रही है। ये चीज़ें हमने कल भी थोड़ा बहुत बता दी थी आप लोगों को। और इसके अतिरिक्त हमारे जो इंस्पेक्टर कर्णप्रयाग साहब हैं वो भी, जो जांच अधिकारी है वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं, उनसे भी आपको इस संबंध में जो भी अपडेट है बता दिया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपने जो भी आज तक की जो भी जांच बैठे रहेंगे हम लोग यहाँ पर, हम लोग अपने घर अपने बच्चे छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं, हम लोग तहसील जा रहे हैं उठाना, और जिसको आना है तो आओ पीछे से, नहीं तो हम लोग जा रहे हैं। कब तक बैठे रहे हम यहाँ पर हाथ में हाथ धर कर? हमारे भी बच्चे हैं गाय भैंसे, हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पर आ रहे हैं। कब तक बैठे, कितनी देर तक बैठे रहे हम यहाँ पर? मेरा निवेदन है यदि आप समय पर नहीं पहुंचते हैं तो यहाँ पर हम उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं और चक्का जाम भी कर सकते हैं, जिसका क्या तय करना है कार्यक्रम को, अगर धरना प्रदर्शन करना पड़े, चक्का जाम करना पड़े या कोई भी स्थिति, इसके बाद हमें आगे क्या करना है? जांच अधिकारी महोदय कर्णप्रयाग से हैं, आप पब्लिक को संबोधन करने का हमारे शिविर से पहले बता दो, मैं इंस्पेक्टर कर्णप्रयाग हूँ, DS ऑफ मेरा नाम।
19 तारीख को लगभग 3:30 बजे माता जी हमारे पास आई थी थाने में। मैं इतफाक से मैं पहुंचा थाने में, तो मैंने इनसे पूछा, ये नीचे बैठे थे, मैंने पहले उनको कुर्सी उठाया, फिर मैंने इनसे पूछा कि क्या बात है। इनने कहा मेरा वार्तालाप होगा, और उसके बाद मैंने तुरंत वहां पर एफआईआर के लिए इनसे अप्लीकेशन मांगी और अपनी महिला सब इंस्पेक्टर, हमारी सुधाविस्ट और पूरा फोर्स मैंने मौके पर भेजा था। उसके बाद करीब आधा घंटे बाद मैं भी चला, मेरे सीओ साहब मौके पर आए। हमने इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए जितनी भी कार्यवाही करनी थी वो हमने तुरंत स्टार्ट कर दी थी। तुरंत हमने अपने सीनियर अधिकारी को सूचना दी और वहां से हमारे एसओजी प्रभारी, जो एसओजी प्रभारी जिले में एक होता है जो आपके सर्विलांस यानी मोबाइल से संबंधित या साइबर से संबंधित जो क्राइम होता है उसकी देखरेख करता है, तो उस दिन से अभी तक हमारे एसओजी प्रभारी मिस्टर भंडारी और उनके टीम के 5 सदस्य अभी लगे हुए हैं। हमारी एसडीआरएफ जो लगातार सभी जगह संभावित स्थानों पर चेक कर रही है, अभी भी वो लगी हुई है, चाहो तो आप लाइव फोटो ले सकते हैं वहां से। दूसरे में हमने संभावना को देखते हुए, चूंकि वो निर्जन स्थान था, हो सकता है कोई जंगली जानवर, कोई मिस हैपनिंग हो, जो कि संभावना कम लग रही, हमने डीएफओ साहब को भी लेटर लिखा हुआ पद्मनाथ वन प्रभाग के लिए। तीसरे में हमने मौके पे जो स्पेशल ट्रैकर होता है, डॉग होता है ट्रैकर, कि उसकी स्मेल लेके जो आदमी संभावित आदमी होता है उसकी स्मेल लेके वो जो ट्रैक करता है, उसने भी एक निश्चित स्थान पे जाने के बाद वो स्टॉप हो गया था ट्रैकर, और जो डॉग होता वो कल हमारे पास था, 2 दिन हमारे पास रहा। तीसरी बात, हमने जो है समस्त जितने भी संभावित भाग थे उन पे हमने चेक किया और जो अपेक्षित चाहते तो हम उस हिसाब से कार्रवाई करते। यहाँ पे मैं देखो, मैं हरिद्वार से आया हूँ जहाँ बहुत क्राइम होता है, यहाँ पे इतना क्राइम नहीं है, इसलिए हमको इसको टाइम देने के लिए, सर्च करने के लिए बहुत टाइम मिला है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम इसमें। देखो, मेहनत करना हमारा काम है, फल जो भी मिलेगा, जो भी होगा वो मिल जाएगा बहुत जल्दी, वो कहीं भी हो, जिंदा होगा या कोई मिसहैपनिंग होगी तो हम कहीं से भी उसको ढूंढ लेंगे, इतना हम आपको आश्वस्त करते हैं। लेकिन अब ये कहे कोई कि आज ढूंढ के लाओ कल ढूंढ के लाओ, ये मैं आपको झूठा आश्वासन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अगर मुझे ये पक्का होता कि मैं कल ढूंढ लूंगा उसको तो मैं आज ही क्यों ना ढूंढू उसको, ये मेरा मानना है। और बाकी आप निश्चिंत रहे, मौसी आपने घर पे आके भी बताया था, आप निश्चिंत रहे। देखो, आपका बच्चा है तो हमारा भाई हो सकता हो, ठीक है ना। मैं मेरी तरफ से आप आश्वस्त रहें कि मेरी जो पूरी टीम लगी हुई है, और इसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे देहरादून से जितने भी हमारे सीनियर अधिकारी हैं बार बार हमको फोन कर रहे हैं, और आपके जितने भी प्रतिनिधि जिले में हैं सारे लोग फोन कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसमें भी एक पॉलिटिकल इश्यू बन जाएगा फिर हमारे लिए, हम उम्मीद नहीं कर, लेकिन सभी लोग हमसे फीडबैक ले रहे हैं इसमें, ठीक है। दूसरे में हमारे जो कार्रवाई होती है, हमने नेशनल ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो होता है, आप चाहो तो मैं अपने मोबाइल में दिखा सकता हूँ, रिपोर्ट भेज रखी है। उसमें क्या होगा, डीडी वन पे एक वो चलता है, संडे को एक चैनल चलता है, उसमें वो फोटो दिखाते हैं गुमशुदा की, तो जिस दिन इसका नंबर पड़ेगा उस दिन वो फोटो फ्लैश हो जाएगा, तो आप चाहो उसको देख लेना। तो हमारी तरफ से पूरी कार्रवाई हो रही है, और हमने जितने भी अपने क्षेत्र के चौकीदार हैं उस लाइन के चौकीदार सबको हमने अवेयर कर रखा, उनसे हमने प्रथम से कन्वे कर रखा, मैसेज कर रखा कि आप इस पूरी सूचना आती तो हमें बताएंगे, अगर कोई आपको विशेष सूचना, कोई पूछना हो, कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप। गए तो जहां भी स्मेल आ रही वहां जो क्या मुर्गे का, मुर्गे का अंदर का डाला उस पे स्मेल आ रही, सड़ान आ रही, हम जा रहे हैं वहां, तो हर आदमी हमारा कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं कोई फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, समझ लो बात को। देखो, ये लड़का अगर मिल जाता है तो इसके परिवार के जो इसके चाहने वाले हैं उनकी खुशी के ज्यादा खुशी हमारी होगी, क्योंकि इतने लोगों के बीच हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा, हमें भी शाबाशी मिलेगी, तो हम क्यों पीछे रहेंगे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं ये कहता हूं कि कल को अगर मेरे दिमाग में ये बात हो कल मुझे मिलेगा, तुम आज को क्यों नहीं ढूंढो उसको, तो ये तो खाली सांत्वना देने वाली बात हो कि मैं आपसे वादा करता हूं मैं 4 दिन 5 दिन में निकाल लूंगा, ये नहीं। मेरे को जो लिखेगा मैं करूंगा काम, मेरी टीम पूरी लगी हुई, हमारी 5 टीमें लगी हुई है, 5 टीमें लगी, अपने आप में एक अलग उदाहरण है, 5 टीमें लगी, और कोई प्रश्न हो तो संतुष्टि के लिए आप पूछ सकते हैं। जब जो है प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जो तंत्र है वो निष्क्रिय हो जाए या निरंकुश हो जाए, आपकी बात नहीं सुनी जाती, आपको हम तवज्जो नहीं देते, आपकी रिपोर्टें नहीं लिखी जाती, हम तलाश नहीं करते, तब तो आप सड़क पर उतरो भाई, इसमें आपका जो आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कर सकते हैं। लेकिन हम अपना जी जान लगा के कर रहे हैं, जो भी माइनस पॉइंट है, जो भी प्लस पॉइंट है कर रहे हैं, तो इसमें तो मेरे हिसाब से अभी तो आपका ये मैं अगर कोई कमेंट करूंगा तो पॉलिटिकल कमेंट माना जाए, ये संभव नहीं पड़ेगा। देखिए, मैंने जो हम जो कर रहे हैं
हम आपको विश्वास पूर्वक बता रहे हैं जो हम कर रहे हैं वो हम, मेरा दिल कहता है, मेरे अधिकारियों का जो आदेश है कि वे इसको किसी भी रूप में इसको मतलब कहने मतलब है कि हल्का न लिया जाए, हम हल्का नहीं ले रहे हैं। उस दिन न्यूज में बारिश हो गई थी, ठीक है ना। अब ये है कि पहले तो हम इस संभावना मिल जाएगा, अब हमने डॉग की सहायता ली, अब उसके पहले दिन बारिश हो गई थी। अब क्योंकि डॉग जो स्पेशलिस्ट होता है उसके जानवर के बारे में हम ज्यादा नहीं बताएंगे, वो डॉग स्पेशलिस्ट बता रहे थे कि इसकी जो स्मेल है वो टूट गई है। टूटने का वही जाते हैं, टूटने का मतलब ये होता है कि कहीं पे गाड़ी आ गई है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्थान तक वो गया है, मतलब वहां पर से जहां पर वो स्थान है वहां से 150 मीटर पर गया, वहां खड़ा हो गया। तो डबा हमने उसके घर से भी ले गया था, मैं जुराब घर से भी जूते ले गया था, जुराब ले गया था, उसकी गाड़ी में एक पुराना जुराब पड़ा होता उसको भी ले गया। हमने पूरी सामान जो दो दो जोड़े जूते ले गए, उसके कपड़े ले गए, बनियान ले गए, उनका अंडरवियर ले गए, सारी जहां से भी उसकी संभावना की है स्मेल उसको ट्रैक करेगा कुत्ता उसको ले गए थे हम। लेकिन वो ट्रैकर जो डॉग होता है वो हमारे एक निश्चित स्थान तक है, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ा। तो उस पर भी हम देख रहे हैं आगे उसका विश्लेषण किया जा रहा है, उन्होंने हमें एक सर्टिफिकेट दे रखा कि इससे आगे नहीं बढ़ा, तो उसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कोई अगर आया है तो उसमें जो घंटे बाद फिर जो नया हमें पैटर्न मिला उसको डाला जाएगा, वो 48 घंटे पूरी ना शायद 2-3 घंटे में बचेगा उसमें, उस 2-3 घंटे 4 घंटे जो भी होंगे अभी वो SOG के पास है, वो जो है उसमें नया पैटर्न डालेंगे। वो पैटर्न हमें मिला था और वो इन्हीं की तरफ से मिला था, इन्हीं की तरफ से मतलब तरण के ही जो संबंधी है जो उनके बुआ है उनके द्वारा मुझे भेजा गया था, मैंने उनके घर पे जाके लिया था और वो उन्हें वो सूत्र बताया था कि वो कहाँ से मिला, तो उसको मैं अभी या मंच पे डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा कि किससे मिला था वो, लेकिन है उससे भी संभावना। अगर वो पहले के जो पैटर्न 6 बारह जो 48 घंटे का टाइम मिला था वो अब 48 घंटे पूरे होते हम उसमें नए पैटर्न डालेंगे, उससे संभावना है कि 90% संभावना कि हमें उसमें मिल जाए। लगभग जब तक वो खोजबीन कर रहे हैं आगे की कार्रवाई वो करें, और हम भी अपने तरफ से यहाँ पे मेरे गांव के लोग मेरे नगर के लोग वो भी मेरा साथ देंगे, जब तक करण पवार मिलता नहीं, जब तक मेरा भाई मिलता नहीं है, हम लोग पुलिस प्रशासन से विनती भी करते हैं कि आप जल्द से जल्द मेरे भाई को खोजने की कृपा करें, और जहाँ भी हो जैसा भी हो मेरे भाई को कृपा करके आप हमारे पास संतुष्ट हैं, जांच अधिकारी महोदय की बात से संतुष्ट हैं आप? किस बात का संतोष? हम संतोष नहीं, जब तक हमारे भाई मिल जाएगा उस दिन हम संतोष होंगे, तब तक हम किससे संतोष होंगे, किससे होंगे हम संतोष है? क्या सबूत है हमारे पास जब तक हम किस बात का संतोष है, हम बताओ ना किस बात का संतोष है? हमको आदमी चाहिए, हमारे भाई चाहिए, संतुष्ट जो भी है हमको चाहिए, हमारे भाई चाहिए हमको, हमारे चिकन का टुकड़ा था, 10 बार वीडियो कॉलिंग करता था वो, हम लोग कहाँ है वो, 18 तारीख से उनकी वीडियो कॉलिंग नहीं आई, किस बात से हम क्यों रो रहे हैं, दिन भर तो चलते आ रहे हमारे घर पे, रात को हम कैसे रह रहे हैं वो हम जानते हैं, हमारा भाई है वो, हम बहुत परेशान है, 18 तारीख से मैं ट्रेन में और गाड़ी कहाँ कहाँ नहीं गई, मैं जहाँ जहाँ जाने हैं वहाँ वहाँ चले गई, मैं 18 तारीख से मैं गाड़ी में घूम रही हूँ, अभी तक मैं गाड़ी में से आ रही हूँ घूम करके, कहाँ मिलेगा, हर जगह चले गई मैं, तो वो हम कुछ दिन बाद हम वो भाई जाएंगे, मैं कहने वो मैं कहने हाँ वो मैं भाभी हूँ, जब कुछ बहुत तो डर ना पहले हम आ जाएंगे, माँ फोन करवा दो, माँ ने फोन कर।
प्रशासन के द्वारा जांच नहीं होती है और नहीं करण की सिंह की खोज होती है तो 29 तारीख को यहां पर उग्र आंदोलन के साथ साथ हम चक्का जाम भी करें। नहीं सकते कि आप काम नहीं कर रहे हैं, आप लोग लगे होंगे हम ये भी समझ रहे हैं, लेकिन अगर समय ज्यादा बीतता है तो जो हमारी व्यग्रता है, हमारे अंदर जो एक ठहराव सा है, हम जो आश्वासित है कि हमारे लिए हम कुछ ना कुछ समाचार हमको मिलेगा कि हमारा वो बच्चा आखिर है कहां, तो ये बहुत ज्यादा संभव हो जाता है कि हमारी जनता, हमारी माताएं बहनें और हम जैसे लोग फिर हम लोग दूसरे रूप में आना शुरू हो जाते हैं। और अगर ये स्थिति हुई कि सड़कों की माताएं बहनों, मैं सबका यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। बहुत दुख की बात है, इस टाइम तो हम लोगों को खैर भाषणबाजी नहीं करनी चाहिए, मतलब सब इसके बिल्कुल विरोध में रहती हूँ कि ये टाइम कोई भाषणबाजी करने का नहीं है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं और कर्तव्य निभानी पड़ती हैं। और
विगत 8 दिनों से करण सिंह का कोई पता नहीं चल पा रहा है। तो मैं बुद्धिविनी में देहरादून में थी, मैं परसों लौटी हूँ। कल जब मैं उनकी माँ के सामने गई, मैं 1-2 घंटे वहाँ पर बैठी, लेकिन मेरा दिल ऐसा हो रहा था कि अगर मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं अभी करण को लेकर यहाँ पर आ जाती। मुझसे उनकी जो अभी वो क्या बोल रही हैं, थोड़ी देर में वो क्या होगी, वो चीज़ सहन करना बहुत मतलब इतने दुख की बात है कि कैसे एक माँ उस चीज़ को सहन कर रही है। अगर हमारा बच्चा बाहर है, हम अपने बच्चे को एक फ़ोन करते हैं, अगर मेरा बच्चा उस फ़ोन को नहीं उठाता है तो मैं उस फ़ोन को नहीं उठाने में ही मेरी हालत ख़राब जाती हूँ। मैं इधर से उधर उधर से इधर कर देती हूँ, और वो माँ के दिल में क्या बीत रही होगी जो 8 दिनों से अपने बच्चे की राह देख रही है कि मेरा बेटा अभी आएगा, मेरा बेटा तभी आएगा, मेरा बेटा ये करेगा, मेरा बेटा वो करेगा। तो मैं अपने शासन प्रशासन से विनम्र निवेदन करती हूँ, वो लोग लगे हुए हैं, हम लोग भी आजकल सोशल मीडिया की से देख रहे हैं कि वो लोग भी लगे हुए हैं करण को ढूंढने में, लेकिन मेरी उनसे विनती है कि वो लोग जितना पुरजोर जितना उनसे हो पाता है वो लोग करण को ढूंढने में अपना पूरा पूरा सहयोग करें। और अगर हम लोगों से वो कुछ चाहते हैं कि हम लोग उनकी मदद करें, उनके साथ हम लोग जाएं, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं कि हम उनकी पूरी मदद करेंगे। जैसा जैसा वो हमको बताएंगे, हमको इंडिकेट करेंगे, हम उस कार्य करने के लिए एकदम तत्पर रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सिमली पुल कोई जंगल नहीं है। सिमली पुल पर ये सारी बातें होना, गाड़ी बिल्कुल एक साइड से लग जाना, और उसके बाद वो 2-3-5 मिनट पहले अपनी माँ से बात करता है, और उसके बाद उसका स्विच ऑफ हो जाना, ये मतलब क्या हो गया, इसको धरती निकल गई है या आसमान निकल गया है, ये बहुत बड़ी सोचनीय बात है। और ये हमारे पहाड़ के लिए एक दूसरे दिन हमारी पूरी क्षेत्र की जनता, करण के माता, उसके सारे रिश्तेदार, गांव की महिलाएं, हमारे जनप्रतिनिधि सारे यहां पर इकट्ठा हुए हैं। पहले दिन की जो चेतावनी थी उसमें ये था कि अगर करण का कोई पता नहीं चलता है तो हम फिर यहां पर इकट्ठा होंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। आज 8 दिन हो गए हैं, आज यहाँ पर 8 दिन हो गए हैं और करण का कहीं भी पता नहीं चल रहा है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि हमारा चमोली गैरसैन हमारी देवभूमि है। अगर यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो ये सब लोगों के लिए बहुत ही शोचनीय विषय है। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि देवभूमि अगर ऐसा होने लग जाए तो कुछ भी हो सकता है, आगे कुछ भी हो सकता है, आगे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज करण भी हमारा ही बच्चा है और ये किसी के साथ भी घटना हो सकती है। इसलिए जो है पहले दिन हम लोग वहाँ पे तहसील में गए थे, वहाँ पे चेतावनी दी गई थी कि भाई तीसरे दिन के बाद अगर करण का कोई पता नहीं चलता है तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज मेरा पुलिस प्रशासन से भी एक निवेदन है, शासन प्रशासन से, कि आप लोग जहाँ है कि हमारी पूरी टीमें लगी है, तो मैं तो सोचती हूँ कि 8 दिन का टाइम कम नहीं होता है। और जो उनकी माताजी के द्वारा यहाँ पे आश्वासन दिया गया कि मैं 3 दिन का टाइम और देती हूँ आपको, अगर 3 दिन में मेरा करण मेरे पास नहीं आया तो मैं अपने ही घर पे चक्का जाम करूंगी। मैं तो कहती हूँ अपनी दीदी को, हम पूरी पब्लिक आपके साथ हैं, चाहे मेरी माता बहने हैं, मेरे भाई हैं, यहाँ पे हम पूरे आपके साथ सहयोग कर रहे हैं। करण की माँ और उनका परिवार पे मानने को तैयार नहीं है कि हम यहाँ पर से उठते नहीं है। हम जब तक हमारा करण नहीं मिला हम तब तक यहाँ पर अनशन में बैठ चुके हैं। पब्लिक उनको मना रही है। अभी हमारा प्रशासन से निवेदन है कि आप अति शीघ्र, हम आपको इनके परिवार को मनाते हुए आपको प्रशासन को और दिया जा रहा है। भले ये लोग तो मान नहीं रहे हैं तो पब्लिक उनको किसी ढंग से सांत्वना दे रही है कि भाई आप मानदारी है, जो चार्ज अधिकारी हैं उन्होंने अपनी बात आप तक पूरी रख दी है। पूरी पुलिस टीम यहाँ बाहर किए तो उनके परिवार का ये मानना है कि भाई अगर आप लोग कहते हैं तो आप लोगों की बात को हम जीते करते जीत मान के चलते हैं और हम 3 दिन का समय और देते हैं पुलिस प्रशासन को।
और तीन दिन के बाद अगर नहीं हुआ तो चौथे दिन उनका कहना है कि पब्लिक ना भी आए, हम अपने घर के आगे सड़क पे लेट जाएंगे। हम ये आप हम इनको बनाते हुए यहाँ से तो उठा रहे हैं, पर तीन दिन के बाद फिर प्रशासन को परेशान होना पड़ेगा, उनके घर तक तबलावर्ती करवाएगी। तो मेरे निवेदन है प्रशासन से कि आप जितना जल्दी जितनी भी कोशिश करें तीन दिन के अंदर में और उसको ढूंढने का प्रयास करिए, ताकि परिवार को कई प्रकार से जो लगी हुई फिर भी इसे आंदोलन उग्र ना हो, इसलिए आपसे निवेदन है प्रशासन से, खास करके जांच अधिकारी महोदय कैंटाल जो आप थाना प्रभारी है वहाँ पे एसओ साहब और हमारे गैर सैनिक के एसओ साहब सारे जितने भी लोग हैं पूरी टीम आपकी, आपको तीन दिन का समय उनके परिवार द्वारा दिया तो नहीं जा रहा है, पब्लिक मांग रही है, वो नहीं मांग रहे हैं पर पब्लिक मांग रही है उनसे तीन दिन का समय, तो तीन दिन का समय आपको और दिया जाता है, चौथे दिन के बाद नहीं तो वो कहते हम मंच पर नहीं आते अपने घर के सड़क पर बैठ जाएंगे। ये मेरा निवेदन है आपसे कि आप जितना जल्दी अगर कल ही निकल जाते तो कल ही हम उसको मान जाएंगे, आपने बहुत तीव्र गति से काम किया है, बड़े तीव्र गति से आप काम कर ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं मांग रहे हैं, आपकी मेहनत को आपकी जो जांच अधिकारी जो जो बता रहे थे यहाँ पर उनके परिवार वाले भी कह रहे थे काफी लगे छानबीन पर, फिर भी हम आपसे और निवेदन करेंगे तीन दिन का समय आपको दिया जाता है,